दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक माफ़ी मांगना चाहूँगा। दोस्तों मैंने पिछला 2021 PDC एस्टेरॉयड वाला वीडियो जल्दबाजी में बना दिया था और अब जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है 2021 PDC के लिए वो कुछ अलग है। नासा ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कोई एस्टेरॉयड एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर नासा ने ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं प्राइस जोन, मैं हूँ आयुष, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों नासा ने क्लियर किया है कि 2021 PDC एस्टेरॉयड एक हाइपोथेटिकल एस्टेरॉयड है, यानी कि ऐसा कोई एस्टेरॉयड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक सिनेरियो बनाने के लिए किया गया था जिसमें नासा ये प्रेडिक्ट करना चाहती थी कि अगर फ्यूचर में कोई एक एस्टेरॉयड इतना बड़ा और इतने पास से निकले तो क्या हो सकता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी ऐसी न्यूज़ दिखाई दे जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि यह एस्टेरॉयड डेफिनेटली धरती से टकरा जाएगा और किसी कंट्री का नाम बताया जा रहा हो जहां पर यह एस्टेरॉयड टकराएगा, तो मैं आपको आगाह कर देता हूं वो न्यूज़ बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। और नासा ने यह एस्टेरॉयड सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करने के लिए बनाया था। हालांकि पहली नज़र में मैं भी थोड़ा बहुत धोखा खा गया था और मैंने सोचा कि ये रियल एस्टेरॉयड है जिसका टकराने का चांसेस अभी से 5% है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड में 5% किसी भी एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर असल में कोई एस्टेरॉयड के इतने टकराने के चांसेस हो तो 90% चांसेस है कि वो शायद एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकरा जाए। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आप टेंशन फ्री रहिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर 2K सब्सक्राइबर्स।